अगर मैं यहाँ से गिर गई तो दोबारा से कभी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आखिरी दिन ना हो, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं आज फर्स्ट व्लॉग बनाने आ रही हूँ, बट मुझे लग रहा है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं लास्ट व्लॉग होने वाला है। ऐसा ना हो कि ये लास्ट व्लॉग बन जाए, फर्स्ट व्लॉग के चक्कर में लास्ट व्लॉग। अगर मैं मर जाती तो उसके बाद अगर मैं फेमस भी हो जाती क्या फ़ायदा, मैं तो मर जाती ना, देख भी नहीं पाती कि मैं बची हुई नहीं हूँ, फेमस तो होगी पर क्या फ़ायदा। आप लोगों को शायद वीडियो में देख के नहीं लगेगा, तो यहाँ से कोई गिर जाए ना तो उसके बचने के 1% भी चांसेस नहीं। Shall we begin? हेलो एवरीवन, जय देव जय श्री राम। वैसे तो मैं आप सबको अपने बारे में बता चुकी हूँ अपनी इंट्रो वीडियो में कि मैं कौन हूँ, कहाँ से हूँ और क्या करती हूँ। अगर आप लोग मेरी इंट्रो वीडियो देखना चाहते हो तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से जाके आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। चलो मैं एक बार आपको फिर से अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम किरण मन्हास है और मैं जम्मू एंड कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट डोडा के एक खूबसूरत से गांव कास्तीगढ़ में रहती हूँ और एट प्रेजेंट मैं अपने ही कास्तीगढ़ के गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में एज अ गेस्ट लेक्चरर काम कर रही हूँ। गाइज, आपको मेरे पीछे व्यू दिख रहा होगा, वो है अपना कास्तीगढ़, वो है हमारा प्यारा सा कास्तीगढ़। अगर मैं बात करूँ अपने घर की, मेरा घर कौन सा है, तो यहाँ से ठीक आपको नीचे एक रेड कलर की टीन दिख रही होगी, वो है मेरा प्यारा सा घर। जो पूरा आपको दिख रहा है ये है हमारा कास्तीगढ़, हमारा जो मेन मार्केट है वो भी दिखाई दे रही है। ये देखो हमारे आसपास की सराउंडिंग्स, ये ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ जो हर साल बर्फ से ढकी होती थी, बट इस बार जब बर्फ नहीं पड़ी, मे बी अभी भी टाइम है बर्फ पड़ सकती है, और वहाँ हम जो है यहाँ सेंटर पे रहते हैं, वहाँ सेंटर पे, और ये है ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ। देखो कितना खूबसूरत है कास्तीगढ़ हमारा। अगर रोज़ आप इस तरह की वीडियो देखना चाहते हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा, ताकि मैं रोज़ आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो ला सकूं। और सबसे बड़ी बात, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। जब आप सब्सक्राइब करोगे तभी तो मैं आप लोगों को ऐसी वीडियो दिखा सकूँगी। यहाँ पे लोगों के खेत है, वहाँ सरसों, बट आप लोगों को शायद उतना दिखाई नहीं देगा, वहाँ पे नीचे मैच भी चला हुआ है। अभी मैं आप लोगों को अगर टाइम बता दूँ तो 6 है और इतनी ठंड है, बट वो लोग जो है मैच खेलने में बिजी है, इसलिए गांव के लोग जो है स्ट्रांग होते हैं एज कम्पेयर टू जो शहर के लोग होते हैं उनसे। गाइज, अब लोगों को मैं दिख रही हूँ, अभी मेरे दिल धक 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 कर रहा है, बिकॉज मैं अभी इतने उस पे पत्थर पे चढ़ी हुई हूँ और देख सकते हो आप लोग नीचे। अगर मैं यहाँ से गिर गई तो दोबारा से कभी आप लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसलिए मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करना। आप लोगों के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ता है, देखो मुझे इतना डर लग रहा था, बिकॉज मेरी जुत्ती जो बहुत स्लिप करती है, तो मैंने अपनी जुत्ती उतार के हाथ में रख ली है, वहाँ तो चली गई थी, आ नहीं पा रही हूँ, टांगों में इतनी ज़्यादा शिवरिंग हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये मेरा आखिरी दिन ना हो, ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है, मैं आज फर्स्ट व्लॉग बनाने आ रही हूँ, बट मुझे लग रहा है ये मेरा फर्स्ट व्लॉग नहीं लास्ट व्लॉग होने वाला है। ऐसा ना हो कि ये लास्ट व्लॉग बन जाए, फर्स्ट व्लॉग के चक्कर में लास्ट व्लॉग। बच गई मैं, अगर मैं मर जाती तो उसके बाद अगर मैं फेमस भी हो जाती क्या फ़ायदा, मैं तो मर जाती ना, देख भी नहीं पाती कि मैं बची हुई नहीं हूँ, फेमस तो होगी पर क्या फ़ायदा। आप लोगों को शायद वीडियो में देख के नहीं लगेगा, मैं कितनी डर रही थी, कितनी ज़्यादा मेरी टांगों में शिवरिंग हो रही थी, और ये पत्थर कितनी हाइट पर, यहाँ से कोई गिर जाए ना तो उसके बचने के 1% भी चांसेस नहीं। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, ताकि मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिले और मैं दोबारा से आप लोगों को वीडियो बना सकूँ।